चलो ये ठेकेदार साहब हैं हमारे। वो दोनों नमूने कहाँ गए? हट, ये चीमा पेपर मिल है। अब इसमें कोई बोलने वाला भी तो है, कहते हैं ये है हमारी गाड़ी का नंबर, ये गाड़ी है। आज 6 दिन हो गए इसे खड़े हुए, एक ही जगह पर खड़ी है जी यहाँ पे। हाँ, ये हाईवे पे ये जाम ही लगा पड़ा है, सिर्फ इसी कंपनी का ही जाम है और किसी का नहीं है। डाल दिया। ये है देखो, ये मेन रोड चल रहा है और जे उस्ताद बहुत परेशान है बेचारे, बहुत ज़्यादा, इतने परेशान है कि इनकी गाड़ी की किस्त है, मेरी गाड़ी अब किस्त कल जमा करनी है इनको किस्त। मेरी गाड़ी कल किस्त जमा करनी है, अपनी जिम्मेदारी पे मैंने गाड़ी भरवाई थी। मेरा मोटर मालिक मुझे बकरिया गाली है कि तूने गाड़ी ऐसे क्यों भरी है, मैं बताओ कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मेरे पास रोटी तक को पैसे नहीं है। मोटर मालिक उतने पैसे देता है जितने में गाड़ी चले जाए और वापसी आ जाए। अब बताओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। गेट पे जा रही हूँ उनसे, मैं कह रही हूँ कि मेरी गाड़ी खाली करा दो, तो मुझे इतना कह घटाल देते कि तुम्हारी गाड़ी आज खाली हो जाएगी कि कल खाली हो जाएगी। करीब यहाँ पे मान के चलो 150 गाड़ी खड़ी है और मेरे जैसे ड्राइवर बहुत परेशान है यहाँ पे। एक जे भी है, एक जे खड़े, एक जे भी एक ड्राइवर है, जे भी बहुत परेशान है, इसे भी 7-8 दिन हो गए हैं और इसकी गाड़ी की तो 55,000 की किस्त है। ठीक है, ये किस्तें कहाँ से जमा करेंगे? अगर जो कंपनी वाले ऐसे करेंगे, जो चीमा कंपनी है, जे ये चीमा कंपनी है, जे ये चीमा कंपनी है। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए भाई? ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई। मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।